एक जमाना हुआ करता था कि लोग पहले मीलों की यात्रा पैदल तय किया करते थे, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही है जो एक या 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं बल्कि लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करने की शुरुआत किया है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के सरिया निवासी विराट सिंह की। उम्र 23 साल है और उन्होंने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने की शुरुआत रविवार से शुरू कर दी है, जो कि काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल, बद्रीनाथ सहित झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तराखंड के केदारनाथ पहुँचेंगे। नमस्कार, मैं विराट सिंह, मैं सरिया गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं सरिया से केदारनाथ यात्रा के लिए आज 9 अक्टूबर 2022 को निकलूँगा। तो सरिया से निकलकर कहाँ जाना है आपको? मैं तो सरिया से निकलकर केदारनाथ जाऊँगा, उसमें बीच में मैं आपका बाबा विश्वनाथ जी, उज्जैन, महाकाल, हरिद्वार, अयोध्या सारे तीर्थ यात्रा दर्शन करते हुए मैं जाऊंगा। सरिया से आपकी जो यात्रा होगी कितने किलोमीटर लगभग होगी? लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। आपने ये यात्रा बहुत ही कठिन रास्ते चुने हैं, धर्म के रास्ते पे चुने हुए हैं, तो आपका मन में ये विचार कैसे आया? आखिर आपको कैसे लगा कि मुझे ये यात्रा करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले बता दूं कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि आप मतलब केदारनाथ पैदल यात्रा में मुझे जाना है। अब ये तो पता नहीं महादेव का लीला है या क्या कि अपने से मन में तो ऐसे आएगा नहीं, महादेव चाहेंगे तभी आएगा। आप ये जो कठिन निर्णय लिए हुए हैं पैदल यात्रा करके भगवान की दर्शन, भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए, सबसे पहले आपने अपने परिवार को बताया हुआ था, परिवार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? परिवार की तरफ से रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आया, लेकिन पहले तो सब सुन के शौक हो गए कि ये लड़के के मन में अचानक कहाँ से आ गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि मम्मी पापा, आप लोग तो जानते ही हो कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और फिर मम्मी पापा ने बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, पूरे फैमिली सपोर्ट किए मुझे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब ये कठिन परिश्रम तुम उठाए हो तो इसे पूरा करना भी होगा। ये रास्ता तय कीजिएगा, लगभग मैं डेली 20-30 किलोमीटर चलने का अनुमान लिया हूँ, इस हिसाब से कम 6 महीना। 6 महीना में आप अपने अंतिम पड़ाव तक पहुँच जाइएगा? 6 महीना लगभग तक। आप लोगों से क्या सहयोग चाहिए सरियावासियों से, बस, और क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग भी मिल रहा मुझे, बाकी बात आपके सभी लोगों का आशीर्वाद भी, प्यार भी मुझे बहुत मिला और मिल भी रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे तक मुझे आशीर्वाद सहयोग सब मिलते रहे। हमें तो खुद ही पता नहीं चलता कि भोले बाबा कैसे इनको बुला लिए और कैसे ठान लिए कि बोल हमें पदयात्रा करना ही करना है, बाबा तक पहुँचते हुए आप बस सभी नागरिकों लोग का सहयोग चाहिए। जब ये घर में बताएंगे कि मुझे सरिया से केदारनाथ के लिए पद यात्रा करना है, तो आप लोगों मन में क्या चला और कैसे आप लोग इसमें सम्मिलित हुए? मुझे तो थोड़ा देर के लिए बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन फिर अपने आप को समझ लिए कि वो इनका बुलावा आ गया, इसलिए ये जाना ही चाहना चाहिए, इसलिए हम लोग भी उनको मैंने आदेश दे दिए। विराट, सरिया से केदारनाथ जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो विचार जो आया उसके मन में आपका क्या है? सहयोग अच्छा है, भगवान महादेव इसके कल्याण की ओर यात्रा सफल करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? केदारनाथ बाबा की दुआ से अच्छा सफर यात्रा हो इसका।